हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल पर। लंच टाइम हो चुका है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पनीर बटर मसाला की रेसिपी। ये एक बहुत प्रोमिनेंट रेसिपी है, नॉर्थ इंडियन रेसिपी है और ये मुगलाई टच के साथ है। काफ़ी थिक ग्रेवी होती है इसकी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फटाफट हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ प्याज लिया है, लहसुन 10-12 जवे, एक प्याज, एक इंच का अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, 3 टमाटर, 2 चम्मच क्रीम, 200 ग्राम पनीर, 2 चम्मच मक्खन, हल्दी, नमक, मिर्च, खड़ी लाल मिर्च 1, बड़ी इलायची 1, दालचीनी थोड़ी सी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 1 तेजपत्ता, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच और कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच। अब आइए फटाफट हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है। सबसे पहले हम मसालों की तैयारी करेंगे। तो मैंने इस कढ़ाई में बटर डाला है और जैसे ही ये बटर मेल्ट हो गया, इसमें मैंने 1 इलायची, 1 लौंग, जितना भी ज़ीरा मैंने निकाला था 1 चम्मच ज़ीरा, काले मिर्च सारी, दालचीनी आधी, 2 टुकड़े मैंने लिए थे, 1 टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है, बड़ी इलायची 1 लाल मिर्च डाल दी है इसमें और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे मसाले जो हैं वो रोस्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च और हरी मिर्च में से किसी एक चीज को भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे। थोड़ी देर तक हम इसे पका लेंगे। इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। आप किसी भी तरीके की ग्रेवी के लिए इस तरह मसाला तैयार करके रख सकते हैं और ये बेस बन सकती है आपकी किसी भी तरीके की ग्रेवी की। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और अब हम इसे हल्का सा चला देंगे थोड़ी देर के लिए। हमें इसे पका लेना है एक्चुअली, जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। इसके बाद में हम टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो ढक्कन ढक भी सकते हैं, पर मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ यूजुअली ढक्कन ढकने के साथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक गया है। ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक ग्राइंडिंग जार में ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से बारीक बारीक पीस लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पीस लिया है, हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए काफ़ी बारीक मैंने इसे पीसा है। ठंडा होने पर इसे पीसें, कृपया इसे गर्म होने पर कतई ना पीसें। अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार में काजू और बादाम लिए। 12 काजू 4 बादाम थे ये, जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है यहाँ पर। बारीक बारीक इन्हें भी मैंने पीस लिया है क्योंकि मैं इस ग्रेवी को कभी कभी किसी और डिश के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ जिसमें मैं काजू बादाम नहीं डालती, इसलिए मैंने काजू बादाम अलग से पीसा है। आप चाहें तो साथ में भी पीस सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैंने एक गहरे बर्तन में, ये मसाला बहुत फदकता है तो इसलिए बर्तन कोशिश करें गहरा रहे, मैंने एक गहरे बर्तन में जो है मक्खन ले लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाला है। इससे मक्खन जो है वो जलता नहीं है, तो ऑयल ज़रूर डाल दें किसी भी सब्जी में अगर आप मक्खन डाल रहे हैं तो उसके साथ। अब इसमें मैंने बचे हुए मसाले डाल देने हैं, 2 लौंग, 1 इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और इसमें मैंने हल्दी और मिर्चा भी डाल देना है। हल्दी और मिर्चा तेल या घी में डाल देने से सब्जी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। आप इस स्टेप पे चाहें तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास में अच्छी खासी लाल मिर्च और हरी मिर्च मिला करके तीखे की क्वांटिटी मसाले में हो चुकी है। अब आप देखिए हमारा मसाला जो है इसमें जा रहा है और कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं हल्दी और मिर्च की वजह से तेल का जो कलर है वो काफ़ी खूबसूरत सा मसाले के ऊपर आता है और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम गैस को जो है वो मीडियम कर देंगे क्योंकि ये मसाला बहुत ज़्यादा फदकेगा। हमने गैस को इस समय मीडियम पे रखा हुआ है।
इसके बाद में हम इसमें काजू और बादाम का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो हम डाल देंगे यहाँ पर। आप चाहें तो थोड़ा सा बचा के बाद में गार्निशिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा पेस्ट डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसे मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे। अनडिनाइबली थोड़े बहुत लम्स आपको फील हो रहे होंगे, पर ये टाइम के साथ में जैसे जैसे हमारा मसाला पकेगा ये लम्स जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। इसके बाद में मैंने इस कुकर को ढक दिया है। ये प्रेस्टीज का कुकर है जो कुकर कम कढ़ाई है, तो मैंने कुकर वाला पार्ट नहीं बल्कि कढ़ाई वाला पार्ट लिया है। इसे मैंने ढक दिया है। बीच बीच में मैं खोलकर मसाले को चलाती रहूंगी ताकि मसाला जो है वो बेस पे लग ना जाए। इस जगह पे मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है मसाले में। नमक मसाले में डालने से मसाला तेल जो है वो जल्दी छोड़ देता है गाइस। सो कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए आप ये टिप। आप मसाले में नमक डाल दीजिए पकते समय मसाले के, वो फटाफट आपका तेल छोड़ देगा आराम से। कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मसाले को पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मसाला ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो रहा है। इसके बाद हम इसमें ड्राई पाउडर्स डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, जिसे मैंने ऊपर से डाल दिया है मसाले के ऑलमोस्ट कुक हो जाने के बाद में। सो जस्ट मेक श्योर करें जब बिल्कुल हल्की सी कसर रह जाए आपके मसाले में पक जाने को, तब आप अपने ड्राई मसाले भी डाल दीजिए। ड्राई मसाले ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं और उसके बाद वो पीसे जाते हैं, इस वजह से उनके जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे आपकी सब्जी में स्मेल जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो आप मेक श्योर करें कि ड्राई मसाले बिल्कुल आप लास्ट में डालें, और 2-3 मिनट का जब पकने की कसर बची हो आपके मसालों में तभी आप ड्राई मसालों को डाल दीजिए। अब जैसे कि आप एट द मोमेंट देख सकते हैं हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है, और हम इसमें क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को दोनों हाथों के बीच में लेकर ऐसे ऐसे रगड़ने से आपकी कसूरी मेथी की स्मेल बहुत अच्छी आएगी सब्जी में। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ मलाई ली है, ये अमूल क्रीम है। आप चाहें तो घर की दूध की नॉर्मल मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी सब्जी को हल्का सा मिक्स करेंगे। ये सब्जी जो है वो 2-3 लोगों के लिए काफ़ी थी, तो आप रेशियो जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से और नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से बढ़ा लें। यहाँ मैंने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे इस सब्जी में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसे मैंने हल्का सा हिला दिया है। बार बार करछुल नहीं डाल रही थी टू मेक श्योर कि कहीं गलती से पनीर के टुकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा टूट ना जाए। अब हम इसे ढक देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे धीमी आँच पर पका लेंगे। 2 मिनट बाद जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी है, सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और आप इसे कटोरी में सर्व कीजिए। आप इसे राइस के साथ, नान के साथ, लच्छे पराठे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।